हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमोर तृप्ति व्लॉग। तो अब हम बद्रीनाथ जी से जा रहे हैं, माना गांव जो है वहां के बॉर्डर को दिखाने आप लोगों को। तो एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहती थी कि वैसे ये कोई वो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में जब आपके पास टाइम हो तब ऐसे भगवान के धाम के लिए आप ज़रूर समय निकालें, क्योंकि अगर आप इसी चीज़ की वेट करते रहेंगे कि हम बूढ़े होने के बाद जाएंगे, तो कई बार तो हमें समय ही नहीं मिलता है बूढ़े होने के बाद। कई बार हम वैसे ही जिंदा ही नहीं रहते हैं। तो अगर भगवान को हम पूरी ज़िंदगी याद करते हैं हर अपने बुरे वक्त में, तो हमें भी उनको अपने अच्छे वक्त में याद करना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ हमेशा रहे। बुरे वक्त में तो सभी जो इंसान है वो भगवान को याद करते हैं, लेकिन अच्छे समय में जब याद करते हैं भगवान को हम, तब भगवान हमारा हमेशा साथ देता है। तो जब हम दुनिया के सारे काम करते हैं तो हमें भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए और भगवान के पास भी दर्शनों के लिए आना चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे आप तभी आ पाएंगे। आप ये ना सोचिए कि हमें बुलाते नहीं या हम जा नहीं सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पक्का भगवान बुलाएंगे। हम भी 4-5 साल से भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, तो इसी कृपा से आ रहे हैं, क्योंकि हम अंदर से चाहते हैं तभी हम आ पाते हैं। अगर आप भी चाहेंगे तो आपको भी दर्शन मिलेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। मैं कुछ कहना चाहती थी इसलिए मैंने आपको बताया। हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये हमारे नारायण की नगरी है। ये देखिए बद्रीनाथ धाम। कितने लोग हैं? 5 जी। 5 लेडीज, 1 एक लेडीज, जेंट्स 1 जेंट्स, 2 लड़के, 1 हाँ जी, 3 बच्चे। ठीक है जी। जय जय नारायण, हरि हरि, नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि, तेरी लीला सबसे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ये जो है ये बद्रीनाथ जी का बस स्टैंड है। ये देखिए, जय बद्री विशाल।
बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बुरा ही हाल है, इतनी ठंड है कि हाथ भी बाहर नहीं निकाला जा रहा है बिल्कुल भी। अब हम वहाँ जाके आपको दिखाएंगे मंदिर, मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। जो है पहला दर्शन जो है बद्रीनाथ जी के वो करवाने जा रही हूँ, तो आप सब देखिएगा सामने से। ये मेरा नारायण का धाम है, देखिए अभी कितनी भीड़ लगी है, क्योंकि 3 बजे जो है वो कपाट फिर से खुलेंगे, इसलिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। जेब में ये 500 की है, और ये 500 की है। ये कितने का है और ये इसमें 5 महीने है ना है? ये केले लेते हैं। हाँ इसमें पिस्ता वगैरह भी है ना, ये ले लेते हैं। भाई सामने बर्फबारी खतरनाक, यही है यही है। थैंक यू विशाल भगवान की जय। टिका लगवाओ पांडे जी से, वो अंदर, अरे अंदर जाना है। अरे पागल है क्या पापा, नहीं देख पाए।
अच्छी बात है ये नागपुर से है ना? नहीं हिमाचल से आता है बद्रीनाथ उसका जब दोबारा जो है वो जन्म नहीं होता वो सीधा बैकुंठ हमको जाता है। तो बद्रीनाथ की जो एक कथा है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, नारायण जी अपनी तपस्या में लीन थे और काफ़ी समय से वो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन लक्ष्मी माता को इस बारे में पता था कि वे अपनी तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब होने की वजह से यहाँ पर बर्फबारी काफ़ी होती है, तो उस समय तो और भी ज़्यादा होती थी। तो नारायण जी जब अपनी तपस्या में लीन थे तो उनके ऊपर बर्फ़ का जो है वो ऊपर वो बर्फ़ उनके चारों ओर आती गई और वो बर्फ़ में लक्ष्मी माता जी ने जब उनको देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या करा कि नारायण जी अपनी तपस्या में लीन थे तो उन्होंने बद्री के रूप में, बद्री को बेरी का पेड़ भी कहा जाता है, तो बद्री के पेड़ के रूप में उन्होंने उनकी रक्षा करी और उससे उनके ऊपर कोई तूफान का असर नहीं आया। लेकिन जब नारायण जी अपनी तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी ने मेरे ऊपर अपनी छाया बन के मेरी रक्षा करी, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम इस धाम का नाम जो होगा वो बद्री नारायण के नाम से होगा, तो इसीलिए इसे बद्री नारायण कहते हैं। बद्री नारायण का मतलब है लक्ष्मी जी के नारायण बद्रीनाथ। तो मैं अब आपको अंदर का तो दिखा नहीं सकती, ये भवन है यहाँ पे बद्रीनाथ जी का मंदिर और ये लक्ष्मी माता का मंदिर है, महालक्ष्मी माता का मंदिर। ये अंदर से जो आपको उनकी मूर्ति नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पंडित लोग वो नहीं दिखाने देते, तो आप बाहर से देखिए। ये महालक्ष्मी माता का मंदिर करेंगे हम पूजा, दो जी आप दो जी एक मतलब दो परिवार मंगलम भगवंतराम धान्यम। प्रसाद नहीं लिया, चावल दे दो, चावल दे दो। उनको लगा मैं आ गई हूँ। मान मंदिर है, पता नहीं यहाँ करने देंगे कि नहीं। ये देखिए ये नारायण मंदिर,
ये श्री क्षेत्रपाल घंटाकरण मंदिर। मुन में मत्था टेक के आई इधर। जय श्री घंटाकरण। जय भगवान बद्री विशाल की। तो देखो जी, इसको नारायण पर्वत कहा जाता है। ये ऊपर टॉप, ये इसको बोला जाता है जी नारायण पर्वत। लिया था आए आप हो नी। वृंदावन भी गए, गोकुल भी गए, बरसाना अच्छा था, राधा रानी जा रही है। आप दे रहे हो यार। ऐसे लेता हूँ। अभी शाम का नजारा मंदिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। मैं सामने से भी आपको दिखाती हूँ। जय बद्री विशाल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ से। देखो 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 देखो। हाय गाइस, जय बद्री विशाल की। जय बद्री विशाल भगवान। Thank you.